आओ विशाल आओ, आज तो तुम्हें गले लगाने को जी चाहता है। तुमने कमिश्नर को मारकर समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कलयुग में सतयुग का निर्माण किया है विशाल। सतयुग का निर्माण सत्य पे हुआ था जिंदाल साहब, और सत्य वो नहीं जो आपने मुझे बताया, इसलिए मैंने कमिश्नर को जिंदा छोड़ दिया। क्या? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया? जिंदाल साहब, मैं आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर यकीन रखता हूँ। कमिश्नर की असलियत मैं जान चुका हूँ। सिस्टम से हारा हुआ अफसर है वो, नहायत शरीफ और ईमानदार। टाइसन और जिब्रान जैसे मुजरिमों के साथ उसकी दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। लेकिन फिर भी आपने मेरे सामने उसकी गलत तस्वीर रखी। आपने ऐसा क्यों किया जिंदाल साहब, ऐसा क्यों किया बताइए। वो कमिश्नर बहुत बड़ा पाखंडी है विशाल, उसके ढोंग पे यकीन करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप मेरे सामने बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हैं, या आपकी बातों और कहानी पर अंधविश्वास करके मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ विशाल। विशाल एक अंधा आदमी इतनी फुर्ती से अपना बचाव नहीं कर सकता जिंदाल साहब। तो तुम अंधे नहीं हो, सब कुछ देख सकते हो तुम। हाँ बिल्कुल अच्छी तरह। और मुझे अब तक कठपुतली की तरह नचा रहे थे तुम। बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हो विशाल। मुझ पर अंधविश्वास करके तुमने वाकई में बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मुझे अपने दुश्मन टाइसन और जिब्रान को खत्म करने के लिए एक हथियार की जरूरत थी। जिस दिन रोमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना मोहरा बनाने का फैसला कर लिया। मुसीबत क्या है विशाल, कि मुझे दुनिया का सबसे दौलतमंद और सबसे शक्तिशाली धोखेबाज, तेरी मक्कारी का किस्सा मेरे हाथों खत्म होगा।